क्या आप बीएड कर चुके हैं? आप बीएड डिग्रीधारी हैं और बिहार एसटीईटी के इंतज़ार में हैं, तो अब आप लोगों का इंतज़ार बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। बिहार एसटीईटी के लिए बहुत जल्द ही आवेदन लिया जाएगा। तो आप जानना चाहेंगे कि बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन कब लिया जाएगा, तो इस वीडियो को और इस न्यूज़ को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। बिहार एसटीईटी 2018, बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा बीएसटीईटी 2018 के शिक्षा विभाग द्वारा आने वाले महीनों में जल्द ही परीक्षा के लिए घोषणा की जा सकेगी। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में अध्यापकों की कमी के चलते सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षकों की कमी के चलते सरकार कोई विकल्प नहीं खोज पा रही है। अंततः राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी ही होगी। राज्य में पिछले साल से राजनीति में उठापटक और सरकार में फेरबदल के चलते कामकाज बाधित रहा है, लेकिन अब जल्द ही बीएड कर चुके युवाओं के लिए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार एसटीईटी 2018 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए होगा। उम्मीदवारों द्वारा बीएड डिग्री के साथ बीएसटीईटी 2018 में परीक्षा के लिए आवेदन किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट www.biharboard.ac.in पर देखते रहिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा का आयोजन बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड BSEB द्वारा किया जाएगा। सरकार की अनुमति और शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के बाद BSEB नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा। अनुमति और शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के बाद BSEB बहुत जल्द ही आवेदन के लिए सूचना जारी करेगा। बिहार एसटीईटी 2018 नोटिफिकेशन की आधिकारिक घोषणा। बिहार शिक्षा विभाग पूरे राज्य में एसटीईटी 2018 परीक्षा का आयोजन जल्द ही करेगा। शिक्षा विभाग ने एसटीईटी 2018 परीक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार किया है। अब जल्द ही शिक्षा विभाग बिहार एसटीईटी 2018 के प्रस्ताव तैयार करेगा। बिहार आधिकारिक तौर पर आधिकारिक वेबसाइट और बड़े समाचार पत्र विज्ञापनों में बिहार एसटीईटी 2018 की अधिसूचना घोषित करेगा। उम्मीदवारों को बिहार एसटीईटी 2018 परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर बिहार एसटीईटी के आप लोग आस में है तो तैयारी में लग जाइए। एसटीईटी 2018 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। एसटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा या ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा, इसके बारे में जानिए। बिहार शिक्षा विभाग अधिसूचना की घोषणा के लिए अंतिम प्रक्रिया को पूरा करने और आवेदन पत्र स्वीकार करने की शुरुआत के लिए बोर्ड को एसटीईटी 2018 के लिए प्रस्ताव भेजेगा। बोर्ड यह तय करेगा कि ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कैसे स्वीकार किया जाए। आमतौर पर बोर्ड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्वीकार करना शुरू कर देगा। अब की बार भी लगता है कि 2017 की तरह ही ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा। बिहार एसटीईटी 2018 के लिए पात्रता। तो बिहार एसटीईटी 2018 के लिए कौन कौन योग्य है, उसके लिए योग्यता क्या है, इसके बारे में जानें। तो पिछली परीक्षाओं के अनुसार देखा जाए तो योग्यता वही रहे, लेकिन अंत में यह बोर्ड द्वारा किया जाएगा, केवल बीएड डिग्री वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो इस बार लग रहा है कि जो छात्र बीएड क्लियर कर चुके हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। 2017 में क्या हुआ था कि अपेयरिंग कैंडिडेट बीएड के अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन किए थे, लेकिन अब की बार बीएड डिग्री जो बीएड कर चुके हैं वही इसके लिए योग्य होंगे, ऐसी अधिसूचना है। बाद में इसमें फेरबदल हो तो हो। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। बिहार का शिक्षा विभाग तय कर रहा है कि सभी विषयों के शिक्षक या चयनित शिक्षकों के लिए बिहार एसटीईटी 2018 आयोजित किया जाए। विभाग अंततः
एसटीटी की अधिसूचना जारी करने के लिए दिशा निर्देश और बोर्ड को प्रदान करेगा। आप लोग तैयार हो जाइए एग्जाम में शामिल होने के लिए। तो इस पर ऑनलाइन आवेदन के लिए अब आप लोग जान ही चुके हैं कि ऑनलाइन आवेदन के लिए बहुत जल्द ही घोषणा की जाएगी, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप बिहार एसटीटी से संबंधित कोई भी सूचना सबसे पहले जानना चाहेंगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं बिहार एसटीटी से संबंधित सूचना सबसे पहले अपलोड करूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बिहार एसटीटी से संबंधित सूचना सबसे पहले YouTube पर देखें। धन्यवाद।